वैकुंठ, ये तीन का परित्याग रसिक लोग करते हैं। तो भुक्ति का परित्याग तो ठीक है, ये तो साधारण व्यक्ति भी जानता है कि संसार में सुख नहीं है और दुख का अनुभव कर ही रहा है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष अनुभव के आगे और कोई अनुभव, कोई प्रमाण माना नहीं जाता। जो अनुभव में आता है कि हम सर्वत्र अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं संसार में, जबकि हम सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म के विषय को चाहते हैं, अर्थात अमरत्व चाहते हैं, सर्वज्ञता चाहते हैं, नित्यानंद और अनिर्वचनीयानंद, अनंतानंद, दिव्यानंद चाहते हैं और सदा के लिए चाहते हैं। तो संसार में हमारा लक्ष्य नहीं हल होगा। हम लोग तो मरने के बाद भी नारा लगाते हैं, राम नाम सत्य है, ये मैं असत्य संसार ले जा रहा हूं कंधे पर। इसको भुक्ति कहते हैं। भगवान से पृथक रहे, बस उसी का नाम भुक्ति। पा फा बा भा, जो भा शब्द होता है हिंदी में, वो ऊपर से अलग अलग होता है। एक पाई इधर होती है, एक पाई इधर होती है भा में, यानी जीव ब्रह्म पृथक हैं। तो इसका मतलब माया से युक्त हैं तो दुख भोगेंगे, ठीक है। इसके आगे है मोक्ष। वो जो भा की दो पाई अलग थी वो मिल गई, भगवान में जीव का मिलन हो गया, मुक्ति कहते हैं उसको। हाँ, वैसे भुक्ति से तो मुक्ति अच्छी है, ये गधा भी जानता है। अरे दुख से छुटकारा पा गया, 84 लाख के दंड से छुट्टी मिल गई, इसलिए 99% पुस्तकों में और संतों ने भी बंगाली, मद्रासी, पंजाबी, गुजराती सभी संतों ने मोक्ष मांगा है अपनी वाणी में। लेकिन
इसमें प्रेमानंद नहीं मिलेगा, दुख निवृत्ति तो हो जाएगी। अरे नथिंग से समथिंग अच्छा है, इतनी बड़ी चीज है मुक्ति। लेकिन रसिकों की दृष्टि से उसे सबसे निंदनीय माना गया है, क्योंकि भुक्ति में तो ये चांस है। हम लोग कभी किसी संत से मिल जाए मन से और उसके शरणागत हो जाए और साधना करके अंतःकरण की शुद्धि कर ले तो प्रेमानंद पा सकते हैं, ये चांस तो है। लेकिन मुक्ति अगर हो गई तो सदा को गया। इसलिए मुक्ति को भी नहीं चाहता। अब वैकुंठ का मामला जो है वो जरा विचारणीय है कि वैकुंठ क्यों नहीं चाहते। ये तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, और भगवान में तो प्रेमानंद मिलता ही है। ये कोई ऐसा मोक्ष तो है नहीं कि भगवान में मिल जाना है। ये तो शरीर मिलेगा, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी और भगवान का लोक रहेगा, सब चीजें मिलेंगी वैकुंठ में। ये हमारे श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, वो कोई ऐसा स्वरूप नहीं है मायाबद्ध का या सदा के लिए छुट्टी पाले मोक्ष का। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण के दो प्रकार के भक्त होते हैं। निर्गुण को तो हमने छोड़ दिया, ठीक है, श्री कृष्ण के दो स्वरूप होते हैं, निर्गुण सगुण स्वरूपम ब्रह्म वेद कहता है, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद का पहला मंत्र। अपहत पापमा बिजरो मृत्युर्विशोको बिजघत्सो पिपासा, ये निर्गुण स्वरूप है, और सत्य काम सत्य संकल्प ये सगुण स्वरूप है। देखो वेदों का कमाल, एक ही मंत्र में दोनों स्वरूप। तो निर्गुण स्वरूप भी भगवान का ही है, वो ऐसा नहीं है कि कोई माया का हो या जीव का हो। अरे तीन ही तत्व तो है ना, तो माया से परे वाले ब्रह्म का स्वरूप है श्री कृष्ण का। वो ब्रह्म स्वरूप कोई अलग वस्तु नहीं है, अद्वैत तत्व जो है उसी के तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते 1:2:11 भागवत। लेकिन सगुण स्वरूप जो श्री कृष्ण का है उसके दो स्वरूप होते हैं। कौन कौन? एक अपने सुख की कामना सकाम कहते हैं, और एक निष्काम होता है। प्रेम के दो स्वरूप माने गए हैं। बारीकी से और एक तीसरा भी कह देते हैं, सकाम निष्काम मिक्सचर हो तो सकाम प्रेम जो होता है उसका गोलो ये साकेत लोक और गोलोक के अलावा वैकुंठ लोक होता है। यहां सकाम लोग जाते हैं,
चार प्रकार का जो मोक्ष मांगते हैं उसमें भगवान से पृथक तो रहोगे, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि सब रहेंगे, लेकिन उसने मांगा भगवान से हमको सारथ्य दो, हमको सारूप्य दो, हमको सालोक्य दो, तो इसलिए वो मंगता हो गया। प्रेम का असली स्वरूप उसने नहीं जाना। भगवान के सुख में सुख मानना ये निष्काम प्रेम है। तो ये प्रेम वैकुंठ वालों में नहीं होता, सकाम प्रेम का स्वरूप होता है। इसलिए ये वैकुंठ को भी नहीं चाहता, वो कहता है हमें ब्रज गोपियों वाला प्रेम चाहिए, निष्काम प्रेम, ब्रज रस वाला। इसलिए वो भुक्ति का भी, मुक्ति का भी और वैकुंठ का भी त्याग करके केवल निष्काम प्रेम की कामना से, श्याम सुंदर के सुख की कामना से ही सेवा करना चाहता है। इसलिए तीनों की निंदा करता है।